This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। कश्मीर के कठुआ जिले में 8 साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप का मामला जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इस पूरी घटना का मास्टर माइंड सांजी राम बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 62 साल है। लेकिन 8 आरोपियों में से जिसने बच्ची के साथ सबसे ज्यादा बर्बरता की उसकी उम्र 15 साल है। 10 जनवरी को लड़के ने अपने एक दोस्त को साथ मिलकर बच्ची को किडनैप किया और मंदिर ले जाने से पहले उसका रेप किया। पुलिस ने अपने चार्जशीट में बताया कि दोनों ने 4 दिन तक कई बार बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर अपने कजन को फोन किया कि वो भी आए और अपनी हवस शांत करे। उसके बाद 13 जनवरी को आरोपियों ने आसिफा की हत्या कर दी। उसके बाद 17 जनवरी को पुलिस को बच्ची का शव बरामद हुआ। इस पूरे केस के सामने आने के बाद लड़के की मां ने कहा कि वो शैतान बच्चा है, अक्सर कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन वो किसी का रेप करके उसका खून कर सकता है इस पर यकीन नहीं हो रहा है। मां ने बताया कि इस केस में गिरफ्तार होने से 3 महीने पहले भी लड़के का कुछ बकरवाल चरवाहों के साथ झगड़ा हुआ था। उसके बाद वो बकरवाल मुस्लिमों से नफरत करने लगा। गुज्जरों से झगड़े के बाद मैं खुद उसे पुलिस के पास ले गई थी ताकि वो सुधर जाए और सही रास्ते पर आ जाए। हालांकि माँ का कहना है कि उसका बेटा रेप नहीं कर सकता, वो बेकसूर है। वहीं परिवार की माने तो एक नॉर्मल बच्चा नहीं था। लड़के के कजन का कहना है कि वो सिगरेट पीता और शराब पीता था, वो शैतान लड़का था, लेकिन वो किसी का रेप नहीं कर सकता था, बल्कि उसे तो अंधेरे से डर लगता था। वो कभी देर रात तक घर नहीं आया। बता दें, पिछले साल अक्टूबर में दिवाली के 2 दिन बाद लड़कियों से बदतमीजी करने के आरोप में लड़के को स्कूल से भी निकाल दिया गया था। फिलहाल इस केस में 8 आरोपियों में से 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी घटना के चलते लोग जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और फांसी की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते लोग जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर फांसी की मांग कर रहे हैं। लखनऊ स्थित बालागंज में युवा बाइकर संगठन स्ट्रीट बाइकर्स D4 ने कैंडल मार्च निकाल बाइक से नाराजगी जाहिर की और रोड पे प्रदर्शन किया और फांसी की मांग की।